स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। लेटेस्ट जॉब अपडेट आप स्टूडेंट्स के लिए लेके आ चुके हैं यहाँ पर DSSB की तरफ से, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ठीक है, इसमें भी जो है टीचर्स की पोस्टें हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे पहले कि EMRS की जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आई थी, उसकी कल जो थी लास्ट डेट जो थी वो कल हो चुकी थी। तो अभी जो है आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो नई लेके आए हैं नोटिफिकेशन आप। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी 17 को डेट जो है ओपन हो चुकी है। लास्ट जो है वो 15 सितंबर को जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म के लिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8082874110 पर, हमें WhatsApp कीजिएगा, फॉर्म आपका यहाँ पर हम फिलअप करके दे देंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो में जो है फुल डिटेल में हम समझाएंगे कहाँ जॉब रहेगी, क्या पोस्टें हैं, किस तरह से सब, क्या क्वालिफिकेशन है, सब इस वीडियो में रहेगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए। अब देखिए कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप यहाँ पर मिलेगा कि पोस्ट कोड यहाँ पर भी देख लीजिएगा। आगे नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा PDF में म्यूज़िक टीचर है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी है और जनरल कैटेगरी की, और टोटल यहाँ पर आपको दिखाई है कितनी वैकेंसी दी गई है। ठीक है, फिर TGT की है जो कि आप डिपार्टमेंट यहाँ देख सकते हैं और वैकेंसी भी यहाँ पर देख सकते हैं। पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए भी है, फोटोग्राफर के लिए है, सर्विलेंस वर्कर के लिए है, लेबॉरेटरी असिस्टेंट के लिए दी गई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो है ये PDF मिल जाएगा, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप जहाँ वैकेंसी देखना चाहोगे तो वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आगे टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं। टोटल जो है 1841 पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, ये देखिए BA आपकी होनी चाहिए, BA डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म के लिए, तो आपको यहाँ पर ये देखिए 32-33 आप पोस्ट कोड ऊपर देख लीजिएगा म्यूज़िक टीचर के लिए, तो आपको सिंपल BA डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। और पे स्केल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 44,900 से 1,42,400 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिए आता है यहाँ पर TGT के लिए। TGT के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और अगर आपने BEd की है तो भी आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई है ओनली जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री, और जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अगर आपने किया है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए जो है आपकी इसमें क्वालिफिकेशन रखी है 10+2, और आपने कोई फोटोग्राफी का जो है यानी कि 12th बेस पे ये फॉर्म लग रहे हैं। अगर आपने कोई फोटोग्राफी का जो है डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विलेंस वर्कर। इसमें आपको सिंपल मैट्रिक यानी कि 10th पास और साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और आपने डिप्लोमा अगर किया है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर में तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात आती है लेबॉरेटरी असिस्टेंट। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री रखी है, साइंस होनी चाहिए विद केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट आप यहां पर देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी इसका डिपार्टमेंट है, और इसमें आपकी MA होनी चाहिए जुआलॉजी या बॉटनी या एंथ्रोलॉजी या ह्यूमन, इसमें जो आपको सब्जेक्ट दिए इसमें आपको जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है, पोस्ट कोड लेबॉरेटरी असिस्टेंट फोटो में देख सकते हैं आप, ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप पूरा जो है अच्छे से इस PDF को रीड कर पाओगे। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, और आपको बता दें ये जॉब लोकेशन जो रहेगी इसकी दिल्ली में ही जॉब लोकेशन है, और ये टीचिंग की पोस्ट्स हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी देख लीजिएगा, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, 1-tier एग्जामिनेशन स्कीम है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है CBT टेस्ट रहता है आपका, उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इतनी इतनी कैटेगरी वाइज को यहाँ पर जो है इतनी परसेंटेज बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है इन्होंने रिजर्वेशन भी रखी गई है। ठीक है,
और यहाँ पर रिजर्वेशन देख सकते हैं 5 ईयर्स की एससी एसटी वालों को है, ओबीसी को 3 ईयर्स की है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज को अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, जो क्वालिफिकेशन आपको मेंशन की गई है हर एक पोस्ट कोड में वही आपको होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है, कोई क्यूरीज है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।